वाले वो देखो तो अपने सामने है ब्रांड न्यू बाइक मैवरिक 440। अगर अभी क्रैश गार्ड की फिटिंग चल रही है तो क्रैश गार्ड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका क्रैश गार्ड आपको कहीं आसानी से मिलने वाला नहीं। इसमें ग्लोव्स में ले सकते हो, 3M में ले सकते हो, या फिर मैट में ले सकते हो, या हार्ले वाली ग्रिप हो गई। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। कैसे हो आप सब? तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, मेरा नाम है सिकंदर। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा, तो आज के सिनेरियो में टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख सकते हो अपने सामने है ब्रांड न्यू बाइक मैवरिक 440। अगर आप लोगों के पास हार्ले X440 है तब भी उसका इस तरीके का वर्क करा सकते हो आप। इसमें जो टॉप नॉच की मॉडिफिकेशन है जो कि आप लोगों को करानी चाहिए, वो आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल अभी इसमें काम चल ही रहा है, तो एक झलक आप देख सकते हो। जैसे अभी क्रैश गार्ड की फिटिंग चल रही है तो क्रैश गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्रैश गार्ड आपको कहीं आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो ये क्रैश गार्ड इसमें लगाएंगे, इसके अलावा इसमें स्लाइडर आएगा। अभी इस साइड भी जो है थोड़ा सा काम चल रहा है, तो क्रैश गार्ड बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा PPF लेमिनेशंस वगैरह भी इसमें की जाए जो बहुत ज़रूरी है। ये भी इसमें ग्लोव्स में ले सकते हो, 3M में ले सकते हो, या फिर मैट में ले सकते हो, या रैपिंग वगैरह कराना चाहो तो वो करा सकते हो। इसी तरीके से मोबाइल होल्डर वगैरह हो गया, हार्ले वाली ग्रिप हो गई, और इसमें काफ़ी सारे काम अभी करने बाकी हैं। काम हो रहा है, अभी देख सकते हो इसमें टॉप रैक वगैरह लगा दिया है, इसके ऊपर छोटा सा बैकरेस्ट लगा दिया जो इसका आता है साथ में, तो वो वहाँ से हटाकर इस वाले सीट हैंडल से इस पर लगा दिया गया है। और अभी इसी तरीके से आप इसमें और भी काम ऐड करा सकते हो, जैसे कि आपको टायर वगैरह लगवाना है, एग्जॉस्ट चेंज करवाना है, डबल वाले फुटरेस्ट वो ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये वाला जो एग्जॉस्ट है ये फुटरेस्ट की तरह काम करेगा आपका। लेकिन दिक्कत ये आएगी, देखो जल गया ना पूरा ये, तो ये भी ख़राब, आपका जूता चप्पल भी ख़राब। तो वो सब चीज़ें छोड़ो, आप पूरा वाला फुटरेस्ट लगवा सकते हो। बाकी इसमें जो है कंप्लीट करके भी आपको दिखाता हूँ। अभी इसमें हैंड ग्रिप लगा रहे हैं, वो भी हार्ले वाली पाम रेस्ट के साथ, ये देखो। तो ये सब इसमें काम चल रहा है अभी। और अभी इसमें देखेंगे वाइज़र वगैरह भी, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, प्रोटेक्शंस वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर रोनियन में क्रैश गार्ड लग रहा है, यहाँ पर आप देखोगे तो एरोक्स 155 में काम चल रहा है, इसमें फॉग लाइट वगैरह हो गई, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ। तो फिलहाल अभी इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट कैसा आता है। तो यहाँ पर जो क्रैश गार्ड आपको दिखाया था उसकी लुक दिखा देता हूँ मैं आपको, और आपको बता दूँ इसमें अभी हमने स्लाइडर लगाया है एक साइड, और एक साइड उसको फ्री छोड़ा हुआ है, ताकि जिन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि भाई पार्किंग में हमारे पास जगह कम है, गली पतली है, तो ये स्लाइडर लगने के बाद ऐसा दिखेगा, जैसा कि आप चेक कर सकते हो। और विदाउट स्लाइडर कैसा दिखेगा तो चेक आउट दिस साइड, एंड ये हो गया आप लोगों का क्रैश गार्ड विदाउट स्लाइडर के साथ। बाकी स्लाइडर इसमें लगेंगे दो इस साइड, लेकिन हम इसमें लगाएंगे, ये सिर्फ मैंने अभी इसलिए लगाया ताकि आप लोग कंपेरिजन कर सको बिटवीन के, भाई अगर आप लगवाते हो तो कैसा लुक आता है, नहीं लगवाते हो तो कैसा लुक आता है। और अभी तक आपको इस तरीके का क्रैश गार्ड इस बाइक में लगा हुआ नहीं देखने को मिलेगा। मेरे पास और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन के हैं, ये जो डिज़ाइन इसमें लगाया है ये कस्टमर की चॉइस के हिसाब से लगाया। अगर आप लोगों को हाफ चाहिए, छोटा चाहिए, या जिस तरीके का चाहिए तो आप बता सकते हो, नहीं होगा तो बनवा दिया जाता है। वैसे तो अपने पास सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, इस साइड से भी देख सकते हो लुक। और साथ ही में यहाँ से एक बार आके दिखाओ इस जगह से, तो यहाँ से आप देख सकते हो बाइक का जो सेफ्टी है वो किस लेवल पे है। जैसा कि आप देखोगे आपका अंडर वैली से लेके आपका टैंक तक पूरा सेफ है, जो ये वाला पार्ट है ये भी आपका सेफ हो जाता है अगर बाइक गिरती भी है तो। और जैसा कि ये टूरिंग के लिए जा रही है तो इसमें पूरी सेफ्टी ज़रूरी थी। और इसके जो कनेक्टिंग्स है ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कनेक्ट है, यहाँ पर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट है, तो मजबूती में कोई दिक्कत है ही नहीं। बाकी स्लाइडर अगर आप लगाओगे तो ये कुछ इस तरीके का लुक आएगा, नहीं लगाओगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। क्रैश गार्ड की तो हो गई बात कंप्लीट, सेफ्टी पॉइंट को लेकर PPF लेमिनेशन इसमें हो चुकी है, जो कि छोटे मोटे स्क्रैच प्लस पेंट वगैरह आपका सेफ रहता है, गलती से भी अगर कोई छोटा मोटा स्क्रैच लगता है। बाकी टैंक पैड, थाई पैड्स वगैरह भी आप एड ऑन करा सकते हो, इसमें आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, अब आते हैं यहाँ पर हैंड ग्रिप पर। तो ये हो गई हैंड ग्रिप, इसमें हार्ले डेविडसन वाली जो बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रॉपर स्टील वाली है, क्रोम का टच है, एंड लुक देख लो कितना ज़्यादा किलिंग आ रहा है। और आपको बता दूँ इस हैंड ग्रिप की कंफर्टेबल के मामले में तो सबसे हाई लेवल पे आती है, नंबर वन पे आती है, लेकिन इसमें आपको मिल जाता है पाम रेस्ट। लॉन्ग राइड के समय में आप थक जाते हो तो इस तरीके से आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, तो ये इस काम आता है। इसमें ब्लैक में मिल जाएगी मेरे पास, क्रोम में आपके सामने है। और इसके अलावा आप फ्रंट से लुक देख लो बाइक का कैसा लग रहा है यार। यहाँ पर देखोगे तो मोबाइल होल्डर है, जिसमें पूरे के पूरा आपका फ़ोन होल्ड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें आपका पूरा फ़ोन आएगा, और फुल्ली वाटरप्रूफ है, किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। अब आपने इसको फ़ोन लगाया है, इसको आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है जी, ये जो फिटिंग है ये आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, और इस जगह पे भी लगवा सकते हो, लेकिन इस जगह पे कोई लॉजिक नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगता है कि तो यहाँ भी लगा सकते हो आप। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ज़बरदस्त मोबाइल होल्डर है, इसमें काफ़ी सारे मोबाइल होल्डर के डिज़ाइन और मिल जाएंगे। जिन लोगों को इस तरीके का नहीं चाहिए, नॉर्मल सब चाहिए, तो वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी, क्रैश गार्ड हो गया, आते हैं बैक साइड में। तो ये जो है आपने देखा होगा छोटा सा बैक रेस्ट इस वाले पार्ट पर लगा हुआ,
तो ये तो निकलेगा ही क्योंकि हमने लगाया है इसमें टॉप रैक, और ये जो बैकरेस्ट है हटा के हमने लगा दिया इस जगह पर। अब जिन लोगों को लॉन्ग वाला बैकरेस्ट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, इससे भी हैवी, इससे भी ऊंचा, लेकिन ये काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी जो टॉप रैक की फिनिशिंग देते हैं तो जिन लोगों को इसमें सैडल बैग्स लगाने हैं तो उनके लिए हमने कनेक्टिंग छोड़ रखी है, सैडल स्टे लगाकर आप सैडल बैग्स लगा सकते हो, साइड पैनियर लगा सकते हो, या फिर अपना सामान बांधकर इस पे जस्ट गो टू राइड, या फिर अगर आप लोगों को इस तरीके के टॉप बॉक्स एंड साइड पैनियर्स कनेक्ट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। फिलहाल ये जो बाइक बनी है कैसी बनी है, ये है आप लोगों की मैवरिक 440। अगर आप लोग हार्ले एक्सपोर्ट 40 है तो उस पर भी आप इस तरीके का वर्क करा सकते हो। फिलहाल अभी जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई है, एक क्रैश गार्ड, दो हैंड ग्रिप, तीन मोबाइल होल्डर, PPF 4 एंड यहाँ पर टॉप रैक 5। अब इसमें और जो मैंने इसमें मैवरिक की जो आपको वीडियो दिखाई थी इसमें अभी स्टार्टिंग में, तो इसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो गई, जैसे कि इसमें ना हायरनेस वायरिंग के साथ फॉगलेट लगाई है। अब हायरनेस वायरिंग कुछ इस तरीके की होती है, ब्लास्टर वगैरह इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है जी। तो आपकी बैटरी पर दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर हमने क्लैंप के साथ में लगा दी है फॉग लाइट, जो कि मर्सिडीज वाली है, ये देख सकते हो गाइस, ये मर्सिडीज वाली है, और इसमें ना काफ़ी सारे मोड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये आ गया इसका स्विच, इसमें एक रेड कलर मिलेगा और एक मिलेगा येलो। इसका इग्निशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मौसम थोड़ा सा अंधेरे वाला हो चुका है तो फायदा ले लेते हैं। इसको हमने प्रेस किया, लो जी, अभी ये प्रेस करते ही आपका जो है हो गया है येलो। हम इसको दोबारा प्रेस कर रहे हैं, अभी आ गया है वाइट। अभी जो ब्लू वाला बटन है ये मैं दबा रहा हूँ। अभी देखो दिन में फ्लैशिंग देख लो, अब फ्लैशिंग चाहे आप येलो पे ले लो या वाइट पे ले लो, ये देखो इसमें येलो वाइट भी आपको एक साथ देखने को मिल जाती है, येलो भी देखने को मिल जाती है और वाइट भी देखने को मिल जाती है, और फ्लैशिंग में भी काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये है इसका लुक, देख लो गाइस, भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो वो मिलेगी पार्ट टू में, जैसे कि इसकी फॉगलेट्स वगैरह हो गई, फोर प्रोडक्शंस वगैरह हो गई, तो उसके लिए आप पेज को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत।